नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों, काफ़ी देर से एक न्यूज़ चल रही है, 40,000 लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हो गए हैं, 40,000 लोगों का रिजल्ट रोका गया है और बहुत सारी न्यूज़ ऐसी चल रही हैं। दोस्तों, ये भी न्यूज़ चल रही है कि जो 1,46,000 लोग पास हुए हैं उनमें से 40,000 लोगों के जो है फॉर्म रिजेक्ट हो गए हैं, अब वो मान्य नहीं होंगे, उनमें संशोधन नहीं होगा, ऐसा सुनने में आ रहा है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि 40,000 फॉर्म ऐसे थे जिनमें कोई ना कोई त्रुटि थी, इस वजह से ये ऐसी खबर आ रही है। लेकिन जो 40,000 लोग हैं, इनको संशोधन का मौका दिया जाएगा इनकी काउंसलिंग के समय, यानी इनको भी बिल्कुल बाहर नहीं किया जाएगा इसके लिए कि इनके फॉर्म में कोई त्रुटि हुई है। दोस्तों, निश्चित रूप से जो 40,000 लोग हैं उनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, वो आवेदन इसमें कर पाएंगे, इनको मौका दिया जाएगा। और ये चीज़ें जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने भी क्लियर कर दी हैं कि जो भी जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर गलत है या रोल नंबर गलत है या फिर नाम गलत है या और भी चीज़ें जो हैं गलत हैं, तो ऐसे लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जब वो काउंसलिंग कराने जाएंगे तो निश्चित रूप से वहाँ उनसे एफिडेविट लेकर के चीज़ों को सही कर दिया जाएगा। इसकी पुष्टि जो है जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने कर दी है। तो आप लोग बिल्कुल भी इसके लिए परेशान ना हो कि 40,000 लोगों का रिजल्ट रोका गया है, क्या होना, पूरे कुल स्टूडेंट 1,46,000 उत्तीर्ण हुए हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि बहुत ज़्यादा लोगों के जो है नंबर देखने को मिल रहे हैं, 142, 140, 135, 132 इस तरीके से नंबर आए हैं, ऐसी मार्कशीटें जो है सोशल मीडिया पे आपको देखने को मिल रही हैं। तो इस निश्चित रूप से ये एक साइन है कि मेरिट थोड़ा सा हाई जा सकती है। दोस्तों, वहीं अगर विज्ञप्ति की बात करें तो विज्ञप्ति को लेकर के खबर आ गई है, 13 मई को ये जो है विज्ञप्ति जारी की गई है। इसके लिए जो है जब फॉर्म निकाले जाएंगे तो विज्ञप्ति का प्रकाशन होगा 17 मई को। 17 मई को पूरी विज्ञप्ति निकाल दी जाएगी जिसमें जो है पूरी चीज़ें दर्शा दी जाएंगी कि किस प्रकार से मेरिट बननी है और किस आधार पर काउंसलिंग होनी है। और जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, यानी कि जो फॉर्म भरे जाएंगे, वो 18 मई के दोपहर के बाद से भरे जाएंगे और ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि होगी वो 26/5 होगी, यानी कि फॉर्म 18 से 26 तारीख तक ही भरे जाएंगे। जो लोग इसमें पास हुए हैं, क्वालिफाइड हैं, वो इसमें फॉर्म भर पाएंगे। और दोस्तों, प्राप्त आवेदन पत्रों की जाँच के उपरांत ऑनलाइन प्रोसेसिंग की सूची डाउनलोड करना ये 27 से 31 तारीख तक होगा, 31 मई तक। और जनपदों में काउंसलिंग का जो आयोजन किया जाएगा वो 3 तारीख से लेकर 6 तारीख तक जो है आयोजन इसका किया जाएगा, यानी कि काउंसलिंग जो है शुरू में 3 दिन की जाएगी, उसके बाद प्रक्रिया चलती रहेगी। जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप जो है मेरिट गिरती जाएगी, वैसे वैसे काउंसलिंग आगे की प्रक्रिया शुरू होती जाएगी। दोस्तों, ये प्रक्रिया है, पूरी तरीके से विज्ञप्ति है, इसमें फॉर्म सभी लोगों से जो 1,46,000 उत्तीर्ण हुए हैं उनसे फॉर्म लिया जाएगा। और उसके बाद काउंसलिंग जो शुरू में फर्स्ट काउंसलिंग स्टार्ट होगी वो 3 से 6 तक स्टार्ट होगी, 3 जून से 6 जून तक चलेगी काउंसलिंग। और ये विभिन्न जनपदों में, जो भी जनपद आप उसमें इंगित करेंगे उन्हीं जनपदों में आपको काउंसलिंग के लिए जाना होगा और वहीं से आपको जो है नियुक्त पत्र निर्गत किया जाएगा। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप मेरिट को डाउन किया जाएगा और उसके बाद काउंसलिंग कंटिन्यू होती रहेंगी। तो ये पूरी प्रक्रिया होनी है 69,000 शिक्षक भर्ती में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर। दोस्तों, निश्चित रूप से ये तय हो चुका है कि ये विज्ञप्ति आ जाएगी और नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और शुरू हो भी जानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट लगभग 1.5 वर्ष से इसका वेट कर रहे हैं। और रही बात जो 40,000 की खबर लगातार चल रही है, तो उनको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वो 40,000 लोग जो हैं पार्टिसिपेंट हैं और वो फॉर्म भरेंगे और उनको संशोधन का मौका दे दिया जाएगा, ये चीज़ बिल्कुल स्पष्ट है, उनको जो है बाहर नहीं निकाला जाएगा। दोस्तों, जल्दी मिलेंगे एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।